आरा में आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार सुबह बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह उर्फ धीरज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराध इकाई ने नरेंद्र सिंह उर्फ धीरज के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर अपने और अपने परिजनों के नाम पर करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके पटना के बेउर महावीर कॉलोनी स्थित नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा भोजपुर जिले के सहार थाना के मुजफ्फरपुर गांव स्थित नरेंद्र सिंह के पैतृक आवास पर भी छापा मारा गया है। साथ ही नरेंद्र सिंह के भाई सुरेंद्र सिंह के आरा शहर के भेलाई रोड के कृष्णनगर स्थित आवास पर भी छापा मारा है। नरेंद्र के भाई विजेंद्र कुमार विमल का भी आरा में मकान है, वहां भी छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अरवल जिला में भी नरेंद्र के भाई के घर पर छापा मारा गया है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ये उम्मीद जता रही है कि छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। बता दें कि नरेंद्र सिंह उर्फ धीरज बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं, लेकिन उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पहले जांच की और पक्की सूचना जुटा ली। इसके बाद नरेंद्र सिंह और उनके भाइयों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी की कार्रवाई पटना, आरा और अरवल जिले में चल रही है। बता दें कि इसी साल के 7 जून को भोजपुर पुलिस ने खाकी के बल पर चल रहे बालू लदे ट्रक से अवैध वसूली के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह उर्फ धीरज यादव के भाई अशोक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से करीब 7,64,300 रुपए की बरामदगी की। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन को जब्त किया है, जिसमें कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई चल रही है। भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।